हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया एंड इन योर न्यू एकेडमिक सेशन आज के इस वीडियो में हम क्लास फाइव मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर द द फिश टेल पढ़ेंगे एंड दिस इज पार्ट वीडियो इन वी विल कवर हाफ ऑफ टेक्स्ट बुक सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट इन यूर टेक्सट बुक इज अ स्मॉल स्म डीप अंडर द सी सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली बहुत छोटी सी कविता इस स्पेशल कविता को हाइकू बोला जाता है एंड सच पोए अबाउट ने इन जापानपैन ये है हमारा प्यारा भारत और इंडिया से जब आप अपने ईस्ट साइड तब आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री मिलता है जापान जापान से ही एक और हाइकू आपके लिए है द लेक काम स्मूथ स्टिल्स अप एंड रिटर्न रिपल्स शेख द लेक रिप्पल्स मतलब पानी की बूंदे जब किसी नदी या फिर तालाब में गिरती है तो उसमें जो तरंगे उठती है वो होती है रिपल्स क्या आपको भी फिश के बारे में किसी पोएम के बारे में पता है बचपन में आपने शायद पढ़ी होगी मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है सो यू कैन राइट दैट पोएम सो हेयर आर सम सम्यूटिफुल ड्रॉइंग ऑफ फिशेस मेड बाय स्मॉल चिल्ड्रेन लाइक यू नाउ वेन यू थिंक अबाउट फिशेस वॉट शेप्स कम इन टू योर माइंड मान लीजिए हम इस फिश को देख रहे हैं इसे देखने पे हमारे दिमाग में रेक्टेंगल आएगा ट्राइंगल आएगा स्क्वायर आएगा आंखें बनाने के लिए सर्कल्स आएंगी सो कैन वी यूज डिफरेंट शेप्स टू ड्रॉ अ फिश ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश स्क्वायर से हम फिश की बॉडी और ट्राइंगल से फिश की टेल बना सकते हैं एंड फॉर द आइज वी कैन टेक अ स्मॉल सर्कल क्या आपको ये पता है कि केरला में मछली को मीन कहा जाता है मीन मीन्स अ फिश इन मलयालम एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश कैन यू थिंक ऑफ सम वन हुज सच आईज कैन वी ड्रॉ सच अ फेस विद फिश आईस यस वी कैन ड्रॉ सच अ फेस फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज कुछ मछलियां बहुत छोटी होती हैं इतनी छोटी जितनी वन सेंटीमीटर लंबी तो फिर बड़े से बड़ा फिश कितना बड़ा होगा हाउ लॉन्ग विल बी द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन सबसे बड़ी फिश हम शार्क को इमेजिन कर सकते हैं वी कैन इमेजिन अबाउट टेन मीटर लॉन्ग व्हेल शार्क यहाँ पे इस फोटोग्राफ में आप नीचे एक एलिफेंट देख सकते हैं और सबसे ऊपर है ये व्हेल शार्क एलिफेंट तो आपने देखी ही होगी कितनी बड़ी होती है तो इस व्हेल शार्क के आगे अगर एलिफेंट इतनी छोटी नजर आ रही है सो नाउ जस्ट इमेजिन हाउ मच बिगर एंड लॉन्ग विल बी दिस व्हेल शार्क कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर हमने छोटी फिश फिश को को माना है है। और सबसे बड़ी फिश को 10 meter long imagine किया है. तो फिर ये 10 meter, 1 से कितना बड़ा हुआ फर्स्ट वी द यूनिट सेम वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर टेन मीटर विल इक्वल टू टेन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड दन सेंटीमीटर

वैल्यू एक ऐसे डिजिट को हम सोचते हैं दैट इज क्लोज एनफ टू द राइट आंसर जो जरूरी नहीं कि राइट आंसर हो लेकिन राइट right के बराबर बराबर जितना ही हम गेस लगाते हैं उसे कहते हैं एस्टिमेशन लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन एस्टिमेशन इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर्स एंड एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट थाउजेंड

सो इफ वी subtract 59 from 68 we will वी विल गेट that is एंड दैट इज़ द एस्टिमेटेड डिफरेंस वैसे ही दूसरा वाला सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी में से अगर हम फोर लैख लेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यह आंसर आएगा बट इफ़ वी हैव टू राइट द एस्टिमेटेड डिफरेंस वॉट वी विल डू हम इस नंबर को सिक्स लैख मानेंगे और इस नंबर को फोर लैख मानेंगे तो सिक्स में से अगर हम फोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आता है टू आता है सो वी विल राइट टू लैख एज एस्टीमेटेड डिफरेंस थर्ड क्वेश्चन वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी फोर एंड एटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटीन द एक्चुअल आंसर इज एक्चुअल डिफरेंस इज सिक्सटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स बट वेन वी राइट द एस्टिमेटेड डिफरेंस तो हम लिखेंगे सिक्सटी वन थाउजेंड सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन में भी जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा लेकिन हमें अगर सिर्फ एस्टिमेट करके गेस करके ही डिफरेंस पता करना है टोटल वन लैख के आस पास आता है उस वन लैख में से हमें थर्टी सिक्स थाउजेंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है सो वी विल गेट द डिफरेंस सिक्सटी फोर थाउजेंड सेन राइट वी कैन राइट ओनली सिक्सटी फोर थाउजेंड एज एन एंसर लेट्स गो बैक टू आवर टेक्सट बुक द बिगेस्ट फिश इज द वेल शार्क जैसे अभी अभी हमने फोटोग्राफ में देखा बट एक्चुअली इट इज नॉट अ वेल बट इट इज बिग फिश वेल्स फिश से बहुत डिफरेंट होती है क्योंकि वेल्स के पास हमारे जैसे लंग्स होते हैं वेल्स कैन ब्रीद लाइक वी डू दे हैव नोज बट फिश डू नॉट हैव नोजिस दे टेक इन एंड नॉट एयर वेल्स बेबीज को बर्थ देते हैं लेकिन फिशेस ले एग्स व्हेल शार्क दिखने में बहुत बड़े और डेंजरस होते हैं बट दे आर क्वाइट हार्मलेस एंड देख ह्यूम व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज एटीन मीटर्स जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट ट्वेल्व चिल्ड्रेन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अनादर एंड गेस कीजिए वॉट विल बी द वेट एटीन मीटर लंबी व्हेल शार्क का वेट अबाउटीन थाउजेंड के जी होगा सो हियर इज मेनी किलोग्राम डू यू वेट चिल्ड्रन स्टडिंग इन फोर्थ टू फिफ्थ स्टैंडर्ड में टोटल वेट ऑफ ट्वेल्व चिल्ड्रेन ट्रेन लाइक अबाउट हाउ मच एक बच्चे का वेट अगर थर्टी के जी है तो फिर ट्वेल्व बच्चों का वेट ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई थर्टी दैट विल बी थ्री सिक्सटी के जी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेज देन ट्वेल्व चिल्ड्रन लाइक यू पुट टूगेदर यानी कि व्हेल शार्क का जो वेट है वो कितना ज्यादा है थ्री सिक्सटी किलोग्राम से वेल शार्क वेज अबाउट सिक्सटीन थाउजेंड किलोग्राम वेट ऑफ ट्वेल्व चिल्ड्रेन पुट टूगेदर इज थ्री हंड्रेड सिक्स द व्हल थाउजेंड सिक्स द फिश नाउ टू सी द डिफ्रेंस बिटवीन द व्हेल्स एंड द फिश वी कैन लुक वेरी केयरफुली ऑन देर टेल्स फिश जो होती है उसका टेल उसके बॉडी के साथ फ्लैट होता है जबकि जो व्हेल का जो टेल होता है उसके बॉडी से दो लेग्स की तरह अलग होके निकलता है एंड डू यू नो दैट द ग्रुप ऑफ बिग फिशेस इज आल्सो कॉल्ड एज द स्कूल्स ऑफ फिश एंड इन दिस वे दे कैन स्केयर अवे द बिग फिशेस छोटी छोटी मछलियाँ बिल्कुल आप जैसे छोटे छोटे बच्चों की तरह होते हैं जब वो ग्रुप में चलती हैं, तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी सी फिश है यानी कि फिश का एक झुंड है जिसे स्कूल्स ऑफ फिश कहा जाता है एंड दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिशेज कुछ कुछ मछलियाँ तो बड़ी मछलियों को डरा के भगाने के लिए बहुत सारा पानी पी लेती हैं पानी पीने से वो फूल जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो कोई छोटी मोटी मछली नहीं वो एक बड़ी मछली है इन द नेक्स्ट एक्टिविटी यू कैन मेक मेनी टाइप ऑफ शेप्स एंड यू कैन ट्राई टू मेक द फिश इन द नेक्स्ट पेज यू हैव मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस दिस इज द लॉबस्टर

हम एक इंसान को देख रहे हैं जो सर्फ कर रहा है इसकी हाइट कितनी होगी और इस वेव की हाइट बताइए तो कितनी होगी सो वी कैन से दैट द वेव्स कैन गो अबाउट फोर्टी मीटर्स हाई समुद्र में कई तरीके के मछुआरे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और उनके पास बहुत अलग अलग तरीके के बोट्स होते हैं यहाँ पे इस फर्स्ट फोटोग्राफ में हम एक लॉग बोट देख सकते हैं लॉग बोट यानी कि एक लकड़ी के टुकड़े को कट करके एक बोट बनाया गया है इस बोट की स्पीड बहुत कम होती है क्योंकि पानी के बहाव के साथ ही ये बोट हिलती है दीज टाइप ऑफ लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार ये समुन्द्र में ज्यादा दूर तक अंदर तक नहीं जाती तो ये लगभग एक घंटे में फोर किलोमीटर तक ही जा पाती है नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो टू अ डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर इन वन आवर इफ द लॉग बोट गोस फोर किलोमीटर बोट विल गो four का डबल four multiply by two eight kilometers लेकिन अगर हम one आवर का हाफ कर दे तो कितना होगा आधा घंटा thirty minutes इन हाफ एन hour द बोट विल गो four का हाफ four डिवाइडेड by two दैट इज two किलोमीटर हमें पूछ रहे हैं टेन किलोमीटर्स के डिस्टेंस के बारे में तो यहाँ पे हमने टेन किलोमीटर बना लिया यहाँ पे है एट किलोमीटर और यहाँ पे है टू किलोमीटर एट प्लस टू टेन होता है मतलब हमने टोटल टेन किलोमीटर्स कवर करने के लिए कितना टाइम निकाला एक निकाला दो घंटा और एक है आधा घंटा दैट इज टोटल टू एंड हाफ आवर्स द लॉग बोट विल टेक अराउंड टू एंड हाफ आवर्स टू गो टू अ डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें किसी भी वैल्यू का डबल या फिर किसी भी वैल्यू का हाफ निकालना मेंटली आना चाहिए नाउ कैन यू गेस हाउ फार यू कैन गो इन वन आर इफ यू वॉक वेरी फास्ट मैं तो एक घंटे में सिर्फ पांच किलोमीटर ही जा पाऊंगी फिशरमैन भी समुन्दर के अंदर बहुत दूर दूर तक जाते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि उन्हें समुंदर के अंदर डायरेक्शन का पता कैसे चलता है क्योंकि पानी के अंदर हमें तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेर इट राइजेस द सन राइज इन दस्ट अगर हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हैं सन की तरफ फेस टू फेस खड़े हैं तो हमारे सामने है ईस्ट पीछे होगा वेस्ट हमारे लेफ्ट साइड में होगा नॉर्थ और हमारे राइट हैंड साइड की तरफ होगा साउथ इस तरीके से हम अपने डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं वैसे ही फिशरमैन भी जब समुद्र में चलते हैं तो वो सूरज को देखकर ही सबसे पहले ईस्ट मानते हैं उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड साइड को नॉर्थ और अपने राइट हैंड साइड की तरफ को साउथ मानकर ही समुंदर में आगे बढ़ते हैं नाउ राइट द आंसर फ्रॉम वेर यू आर वॉट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट अगर आप यहां पे खड़े हैं आपको अपने ईस्ट में द राइजिंग सन वेव्स एंड द विंड्स ब्लोइंग नजर आएगा नेम टू थिंग्स आर लाइंग टू योर वेस्ट वी कैन सी हट एंड अ ट्री समुन्दर के अंदर फिशरमैन को बहुत बड़े बड़े तरीके के मछलियाँ मिलती हैं सी वॉट अ लॉन्ग सोड फिश दिस मैन हैज गॉट दिस फिश हैज शेप ऑफ अ सोर्ड इन फ्रंट ऑफ इट्स माउथ और इसी वजह से इसको सोर्ड फिश बोला जाता है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं सम फिशरमैन गो इन टू द सी विद द हेल्प ऑफ मोटर बोट एक ऐसी बोट जिसमें मोटर लगी हुई हो एंड सिंस दे कैन गो फार एंड आउट दे कैन कैच मोर फिश दीज बोट ट्रेवल लिटिल फास्ट एटीड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर इन वन आवर फर्स्ट क्वेश्चन हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन थ्री एंड हाफ आवर्स तीन घंटा और आधे घंटे के अंदर ये बोट कितनी दूर जाएगी हमें वो पता करना है तो सबसे पहले एक घंटे में ट्वेंटी किलोमीटर दैट वी विल राइट तीन घंटे में कितना जाएगी मल्टीप्लाई बाई थ्री ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई थ्री इज सिक्सटी किलोमीटर तीन घंटे का मिल गया अभी हमें आधे घंटे का निकालना है हाफ एन आवर हाफ एन आवर होगा ट्वेंटी का हाफ ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू दैट इज टेन किलोमीटर्स तो अभी हमें थ्री आवर और हाफ एन आवर में कितना जाएगा उतना पता चल गया अब इन दोनों को ऐड कर दो

डबल और ट्रिपल करते करते 85 तक सबसे पहले बनाना है फिर हमें देखना है कि हमने कितने घंटों का टाइम लिया सो लेट स्टार्ट वन आवर द मोटर बोट गोज 20 किलोमीटर अब डबल करते हैं इन टू आवर द मोटर बोट विल ट्रैवल 20 का डबल मल्टीप्लाई बाई टू दैट इज 40 किलोमीटर उसके बाद इन थ्री आवर्स द मोटर बोट विल गो ट्वेंटी का ट्रिपल यानी कि ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्सटी किलोमीटर लेकिन एट्टी फाइव अभी भी नहीं बना हमें और भी ट्वेंटी का मल्टीपल्स लिखना है इन फोर आवर्स द मोटर बोट विल गो ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई फोर दैट इज एटी किलोमीटर्स एटी तक पहुंच चुके हैं हम अभी हमें सिर्फ पांच किलोमीटर और का हिसाब चाहिए यानी कि ट्वेंटी से कम कम के लिए हम क्या करते हैं आपने फ्रैक्शंस तो पढ़ा ही होगा मान लीजिए ये सर्कल ट्वेंटी है इस ट्वेंटी का हाफ कितना होगा टेन होगा दिस इज हाफ अगर मैं हाफ का भी हाफ करूंगी तो हमें क्या मिलता है हमें मिलता है वन फोर्थ का फ्रैक्शन और टेन का हाफ होता है फाइव तो मिल गया ना फाइव एट्टी प्लस फाइव एट्टी फाइव किलोमीटर अब टाइम को ऐड कर लेते हैं हमने यहाँ पे चार घंटे लिए और इस फाइव किलोमीटर के लिए कितना टाइम होगा आधे का आधा टाइम That means one fourth time. So in total, four hour and one fourth hour, the boat will travel 85 kilometers. One fourth को हम 15 minutes भी लिख सकते हैं, क्योंकि one hour is 60 minutes. 60 का आधा 30. 30 का आधा ये वाला portion सिर्फ 15 minutes. That is why हमने यानी कि फिफ्टीन मिनट्स आंसर लिखा सो दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी नंबर का मल्टीपल और किसी भी नंबर का हाफ एंड वन फोर्थ फ्रैक्शन मेंटली निकाल पाए हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स मोटर बोट्स लॉन्ग टेल बोट एंड बिग मशीन बोट्स बट द स्मॉलर फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड क्योंकि जो बड़े बड़े बिग मशीन बोट के फिशरमैन होते हैं वो समुंदर में बहुत दूर दूर तक जाते हैं दे गो वेरी फार इन द सी एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन सी और उस वजह से वो बहुत सारे फिश थाउजेंड्स ऑफ फिश एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं जिसमें छोटे बड़े सभी फिश रहते हैं और वो बेबी फिश को भी पकड़ लेते हैं उससे क्या होगा बेबी फिश बढ़ नहीं पाते और जिससे फिश की पॉपुलेशन कम होती जाती है और उससे क्या होगा देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी आफ्टर मेनी मैनीय सो वॉट वी कैन डू वी कैन राइट अ रिपोर्ट एंड मेक द अवेयरनेस राइट अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाई द फिशेज इन आवर रिवर्स एंड सी रिपोर्ट लिखने के लिए आपको एक सूटेबल टाइटल की जरूरत होती है जैसे डेंजर्स ऑफ बिग मशीन बोट्स उसके बाद एक पैराग्राफ जैसे हम रिपोर्ट लिखते हैं रिपोर्ट लिखना स्टार्ट होता है कि हम पहले क्या क्या जानते हैं और रिपोर्ट एंड कैसे करते हैं हमने जो भी लिखा उसका क्या परिणाम उसका क्या रिजल्ट होता है हमें वही रिजल्ट लास्ट में लिखना होता है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चन विच बोट गेट्स हाउ मच हमने सबसे पहले लॉग बोट के बारे में पढ़ा जो एक घंटे में चार किलोमीटर जाती थी एंड इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट ट्वेंटी के जी फिश एक बार समुंदर में जाके जब वो वापस आती है उसे वन ट्रिप कहा जाता है उससे वो ट्वेंटी के जी फिश ला पाती है इस टेबल में हम देख सकते हैं टाइप ऑफ बोट्स दूसरे कॉलम में एक ट्रिप में कितने के जी फिश वो बोट लाते हैं वो लिखा है और तीसरे कॉलम में एक घंटे में इन वन आवर हाउ मच किलोमीटर द बोट ट्रैवल्स वो लिखा है लॉग बोट वन ट्रिप में ट्वेंटी के जी फिश लाती है वन आवर में फोर किलोमीटर ट्रैवल करती है लॉन्ग टेल बोट एक ट्रिप में 600 हंड्रेड फिश लाती है और आवर में में 12 किलोमीटर करती है। मोटर बोट एक ट्रिप में 800 जी फिश लाती है एक घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है और मशीन बोट सबसे ज्यादा एक ट्रिप में वो 6000 किलोग्राम फिश लाते हैं एक घंटे में वो 22 किलोमीटर तक चल सकते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन सेवन ट्रिप्स वन ट्रिप में अगर ये बोट्स इतने सारे फिश लाते हैं तो फिर सेवन ट्रिप्स में इतने सारे बोट्स कितने फिश लाते होंगे दैट इज वी हैल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर विथ सेवन आंसर हाउ वि राइट लॉन्ग बोट वन ट्रिप में ट्वेंटी के जी सेवन ट्रिप में ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई सेवन दैट इज वन फोर्टी के जी आंसर लॉन्ग टेल बोट वन ट्रिप सिक्स हंड्रेड किलोग्राम फिश इन सेवन ट्रिप्स इट विल विल्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई सेवन दैट इज फोर थाउजेंड टू हंड्रेड किलोग्राम फिश वैसे ही मोटर बोट और मशीन बोट का भी मल्टीप्लाई बाई सेवन करके हम आंसर निकाल लेंगे क्वेश्चन बी अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन सिक्स आवर्स मोटर बोट वन आवर में ट्वेंटी किलोमीटर जाती है तो फिर सिक्स आवर्स में कितना किलोमीटर जाएगी वी विल मल्टीप्लाई विथ सिक्स इन वन आवर मोटर बोट ट्रैवल्स ट्वेंटी किलोमीटर इन सिक्स आवर्स मोटर बोट विल ट्रैवल सिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी दैट इज वन ट्वेंटी किलोमीटर आंसर क्वेश्चन सी इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रैवल सिक्सटी किलोमीटर देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक लॉन्ग टेल बोट ट्वेल्व आवर ट्रेवल करती है one hour में। अगर लॉन्ग टेल बोट को ट्वेल्व किलोमीटर से ज्यादा सिक्सटी किलोमीटर और अंदर समुंदर के अंदर जाना है तो वो कितना घंटे लगाएगी ज़ाहिर सी बात है एक घंटे से ज्यादा लगाएगी हम कैसे पता करेंगे हम ट्वेल्व को रिपीटेडली ऐड करते जाएंगे दैट इज ट्वेल्व का मल्टीपल में काउंट करेंगे और तब तक काउंट करेंगे जब तक हमें सिक्सटी नहीं मिल जाता या फिर हम सिक्सटी को डिवाइड कर देंगे ट्वेल्व से क्योंकि ट्वेल्व 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 करते ही तो सिक्सटी बनाना है सो हाउ वी कैन राइट लॉन्ग टेल बोट विल ट्रैवल ट्वेल्व किलोमीटर इन वन आवर सो द टेल बोट विल ट्रैवल सिक्सटी किलोमीटर इन सिक्सटी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व आवर दैट इज फाइव आवर्स एंसर लेट एस फिनिश दिस वीडियो हियर ओनली दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन आपके चैप्टर के बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट टू में सॉल्व करेंगे जिसमें हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में सीखेंगे इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपक